keep it tight. भाई लोग नमस्कार, मैं हूँ बिपिन सिंह जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। अब बहुत से भाई चाहते हैं कि बिपिन भाई अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई वीडियो को भी शेयर करें, है ना। देखिए सुबह का समय है और हम पशुओं के लिए यहाँ पे चरी की फसल को काट रहे हैं ताकि उन्हें चारा मिल सके। जैसे ही आज हम सुबह सुबह जगे तो पिताजी आज हमें खबर दिए कि चरी की फसल जा करके तुम खुद ही काट के आओ, है ना। वैसे पिताजी बराबर काटते हैं, मैं उनके साथ हाथ बता देता हूँ। किसान के बेटे हैं तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही चरी की ये फसल कट जाएगी तो इसे पावर टिलर की मदद और चाप कटर की मदद से इसे चारा में तब्दील कर दिया जाएगा। हमारे राजू भाई भी आए हुए हैं हमारे साथ खेत में और देखिए वो हाथ बटा रहे हैं इस गट्ठर को बनाने के लिए। ये एक गट्ठर तैयार हो गया, एक दूसरा यहाँ पे है। बस बस राजू भाई आइए, बहुत मेहनत भरा कार्य है। सुबह सुबह गर्मी भी हो रही है, हवा वैसे चल रही है लेकिन इस हवा से कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये लीजिए हम बांध लें बाबू। ये लीजिए आप कैमरा कीजिए, बाकी हम अपने से बांध लेंगे। सामने आप लोग सेटअप देख रहे हैं चाप कटर का और ये इंजन का, ये एक पावर टिलर है 25 HP का और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं चाप कटर है। 25 HP के पावर टिलर को हम लोग यहीं पे लगा देते हैं, है ना। कुछ भी करना नहीं पड़ता है, सिर्फ ये दो बेल्ट निकाल दिया जाता है, बाकी पटा इस पर चढ़ जाता है और आसानी से यहाँ पर सेट करके चला दिया जाता है। ये जैसे ही चारा कट जाएगा तो फिर पावर टिलर को लेके खेत में उतार दिया जाएगा ताकि वहाँ पे धान की फसल के लिए जो खेत बनाना है उसे पूरा किया जाए। अभी अभी पूरा का पूरा चारा कट गया है ना। ये देखिए हमारे गणेश महाराज जो गिरबुल हैं वो बड़े उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे थे कि इनके पास हम आए और इन्हें दुलारें। चलिए हटिया राजू।
अपने छोटे भाई राजू के हाथ में मैं पावर टिलर को सौंप दिया हूँ और अब वो चला रहे हैं। इधर देखिए यश बाबू, यश बाबू इधर आइए, यहाँ आइए। कम डीजल खपत पे और छोटे मोटे किसान व्यक्तियों के लिए इस तरह का पावर टिलर बहुत ही उपयोगी है ना, कम डीजल खपत में बहुत ही अच्छी खेतों की जुताई कर लेता है। इसे आप लोग देख रहे हैं, ये अनार है और अभी अभी हम एक रिश्तेदारी में आए हुए हैं और यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे फल इस अनार के झाड़ी में लगा हुआ है। शाम के करीब 5:39 हो रहे हैं और ऐसे में देखिए ऊपर बादल है और कुछ कुछ बूंदे अब धीरे धीरे पड़ रही है। बगल में अपना सूखा खेत पड़ा हुआ है जिसमें इस ट्रैक्टर की मदद से उसे जुताई करना अनिवार्य है। अरे उठा के दो, उठा के दो खाए के। गणेश देवता को दे दीजिए, गणेश देवता को खिला दो बाबू।